दोस्तों अपने स्मार्टफोन में वायरलेस चार्जिंग के बारे में सुना ही होगा। आज बात करते हैं वायरलेस चार्जिंग होता क्या है और ये काम कैसे करता है। आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम निशान चौधरी, आप देख रहे हैं निशान बात। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये वायरलेस चार्जिंग है, ये कोई नई टेक्निक है, मगर ये नई नहीं है। ये 1902 में डेवलप की गई थी निकोला टेस्ला के द्वारा। ये टेक्नोलॉजी उस वक्त इतनी ज्यादा कारगर नहीं हो पाई थी क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में उस वक्त इतना बजट नहीं था, मगर अब जब सैमसंग ने इस टेक्नोलॉजी को अपने स्मार्टफोन में दिया तब ये कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो गई। अब बात करते हैं ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। इसमें कई सारे कंडक्टर लगे होते हैं, यानी कि आपके स्मार्टफोन के पीछे जो पैनल होता है उसमें कंडक्टर लगे होते हैं और साथ ही साथ जो नीचे आप जिसमें अपने स्मार्टफोन रखते हैं उसके अंदर कंडक्टर लगे होते हैं। अब जैसे कि आप जानते होंगे या फिर आपने कई बार पढ़ा भी होगा कि जब दो कंडक्टर आस पास रखा जाता है, यानी कि उनको एक दूसरे से सटा कर रखा जाता है, तो एक कंडक्टर दूसरे में इलेक्ट्रिसिटी भेज सकता है। ये होते हैं इनके फास्ट चार्जिंग का कारण। जैसे कि मान लो एक जो क्यूब चार्जर है उसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जाती है और जब उसके ऊपर स्मार्टफोन रखा जाता है तो वो अपने से इलेक्ट्रिसिटी दूसरे के अंदर ट्रांसफर कर देता है, यानी कि उसके अंदर जो पावर है वो दूसरे में अपनी पावर ट्रांसफर कर सकता है अगर दोनों पास पास रखे हुए हैं तो। उनमें आपने देखा होगा कि कई सारे वायर्स होते हैं जो गोल शेप में होते हैं या फिर किसी अलग शेप में होते हैं, अगर वे एक जैसे मिल जाते हैं तो आप उनमें एक से दूसरे के अंदर पावर ट्रांसफर कर सकते हैं। ये इसमें आपको ये तब वायर की जरूरत नहीं पड़ती। ये होती है वायरलेस चार्जिंग। अब बात करें कि ये क्या एनर्जी एफिशिएंट होती है, मगर नहीं। जो आपको पेड़ वायरलेस पेड़ होता है वो जितनी एनर्जी भेजता है उतना आपका स्मार्टफोन उसे रिसीव नहीं करता। यही कारण होता है कि जो वायरलेस चार्जर है वो आपके स्मार्टफोन ज़्यादा जल्दी चार्ज नहीं कर सकते, मगर सैमसंग कंपनी के जो चार्जर है उसमें कहा गया है ये क्यूब चार्ज या फिर फास्ट चार्जर सपोर्ट करते हैं, मगर उसमें उतनी ज़्यादा फास्ट चार्जिंग नहीं मिलेगी जितनी आप एक जो नॉर्मल फास्ट चार्जर उसमें देखते हैं। और इसमें कई सारे इफेक्ट भी है, जैसे कि आपने अगर स्मार्टफोन को काम में लेते हो, अगर आप उसे चार्ज करना चाहते हैं तो आप उसे चार्जर पेड़ हाथ में उठा कर उसमें काम में नहीं ले सकते। इसके लिए आपको सिर्फ चार्जर की पिन होती है उसे लगाना होगा, क्योंकि उस पिन को लगाने के बाद आप उस स्मार्टफोन को हाथ में लेकर भी चार्ज कर सकते हैं, मगर उस चार्जर में ऐसा नहीं होता। मुझे उम्मीद आपको बता चुका होगा कि वायरलेस चार्जर कैसे काम करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।